this video series covers the entire syllabus of paper 3 business mathematics logical reasoning and statistics of ca foundation exams all the videos are absolutely free of cost all you have to do is purchase scanner published by shichita percussion private limited as it is being referred in these videos the link for purchasing scanner is given in the description below thank you for choosing scanner classes happy learning hey guys what's up चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर प्रॉबिलिटी ठीक प्रोबेबिलिटी भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो एटलीस्ट आई थिंक टेंथ में तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा ही दिया गया होगा प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब होता है चांस ठीक है आपने एक सिक्का उछाला ठीक है कितना परसेंट चांस है कि आपका हेड आएगा फिफ्टी ठीक है कितना परसेंट चांस है कि आपका टेल्स आएगा फिफ्टी राइट तो आपने एक पासा फेंका आप लूडो खेल रहे हो या आप सांप सीढ़ी खेल रहे हो या आप कोई भी और गेम खेल रहे हो तो आपने सपोज uh, एक डाइस आपने रोल किया ठीक है इफ यू रोल अ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग फाइव ऑन दैट डाइस वन बाई सिक्स ठीक है व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग फोर ऑन दैट डाइस वन बाई सिक्स ठीक है चलो डाइस वाला थोड़ा सा हो सकता है अभी कम समझ में आ रहा हो लेकिन कॉइन वाला तो आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा ठीक है आपने एक कॉइन को टॉस किया हेड्स भी आ सकता है टेल्स भी आ सकता है मतलब देर आर फिफ्टी फिफ्टी चांसेस ऑफ देयर देर बिंग अपीयरिंग हेड्स और टेल्स ठीक है मतलब प्रॉबेबिलिटी फॉर हेड्स क्या है हाफ फिफ्टी परसेंट इज वॉट हाफ और प्रॉबेबिलिटी ऑफ टेल्स क्या है हाफ फिफ्टी परसेंट इज अगेन हाफ ठीक है फिफ्टी परसेंट इज अगेन हाफ तो इसका एक फॉर्मूला निकाल लिया है हम लोगों ने और वो ये है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इवेंट्स या अकरेंसेज या आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस इवेंट्स या आउटकम्स ठीक है अब कॉइन टॉसिंग में देखो कॉइन टॉसिंग में मैं कह रहा हूं मुझे हेड्स चाहिए तो फेवरेबल इवेंट क्या हुआ हेड्स फेवरेबल इवेंट है हेड्स कितने फेवरेबल इवेंट्स हैं वन दिस ओनली वन फेवरेबल इवेंट ठीक है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने पॉसिबल है टू या तो हेड्स आएगा तो टेल्स आएगा उसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने पॉसिबल है टू तो प्रोबेबिलिटी फॉर हेड्स कितनी हो गई वन बाई सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कितनी हो गई टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फेवरेबल केस है द आउटकम विल बी हेड्स तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके टू हेड्स या टेल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वन हेड्स तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी वन बाई टू प्रोबिलिटी हो गई वन बाई टू ठीक है नेक्स्ट देखो अ डाइस इज रोल्ड अ डाइस इज रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग आउटकम्स नंबर वन अपियस ठीक है तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं सिक्स या तो वन आएगा या टू आएगा या थ्री आएगा या फोर आएगा फाइव आएगा या सिक्स आएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं आपके पास सिक्स ठीक है आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अगर वन आया तभी आपको चलेगा टू थ्री फोर फाइव या सिक्स में से कुछ भी आ गया तो आपको अगर ना मैं नहीं मानता ठीक तो है one. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं तो नंबर नंबर में ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी हो गई सिक्स ठीक है नंबर फोर अपियस अगेन वन बाई सिक्स अगर फोर आएगा तभी आपको अच्छा लगेगा उसके अलावा आपको अच्छा नहीं लगेगा ठीक है तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स वन हो गए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स सिक्स हो गए तो वन बाई सिक्स इवन नंबर इवन नंबर अपियर्स Even number appears. अब देखो number of favorable outcomes कितने हैं। अगर two आया, नंबर है आपको अच्छा लगेगा हाँ मजा आया अगर फोर आया तो भी आपको अच्छा लगेगा बिकॉज सिक्सो एन इवन नंबर ठीक है तो अगर टू फोर या सिक्स आया तो वो आपके लिए फेवरेबल होगा अदरवाइज वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा तो यहां पर आपके थ्री फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए ठीक है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए थ्री बिकॉज टू फोर सिक्स इन तीनों में से कोई भी नंबर आएगा तो आपको अच्छा लगेगा बिकॉज यू वॉन्ट एन इवन नंबर तो यहां प्रॉबिलिटी हो गई थ्री बाई सॉबिलिटी हो गई थ्री बाई सिक्स क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके हो गए थ्री देखो इवन नंबर अपियर्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3 दैट इज 2 4 और 6 दे फो प्रॉबेबिलिटी इज इक्वल टू थ्री 6 सिक्स और वन बाई अब दूसरा है ऑड नंबर अपीयर्स अगेन वन थ्री फाइव अगर ये तीन आउटकम्स आए तो आपको अच्छा लगेगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके थ्री आ गए ठीक और प्रॉबिलिटी आ गई थ्री बाई सिक्स नंबर ग्रेटर दैन फोर अपीयर्स नंबर ग्रेटर दैन फोर अपीयर्स ठीक है तो अगर फाइव आया तो भी आपको अच्छा लगेगा सिक्स आया तो भी आपको अच्छा लगेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए टू तो प्रॉबीबिलिटी कितनी हो गई टू बाई सिक्स मतलब तो वन बाई थ्री ये था आपका प्रॉबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन नेक्स्ट है हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स और म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट्स और इक्वी प्रॉबेबल इवेंट्स ठीक है ये क्या होता है देखो इफ टू और मोर इवेंट्स हर द सेम प्रॉबिलिटी द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स या म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट्स या इक्वी प्रॉबेबल इवेंट्स ठीक है अगर दो इवेंट्स की दो या दो से ज्यादा इवेंट्स की सेम प्रोबेबिलिटी हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सिक्का उछाला ठीक है तो हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ टेल्स की प्रॉबेबिलिटी क्या है हाफ तो ये ये दोनों इवेंट्स जो है हेड्स आना और टेल्स आना ये दोनों इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे कि दीस टू इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इवेंट्स ठीक है दीस टू इवेंट्स आर म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट्स दीस टू इवेंट्स आर इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स ठीक है आपने एक पासा फेंका एक डाइस आपने रोल किया तो 1 2 3 4 5 या 6 इन छहों नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 ठीक है तो ये छो के छों इवेंट्स हो गए आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स या म्यूचुअली सीमेट्रिक इवेंट्स या इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स ठीक है फॉर एक्जाम्पल वेन अइनजॉस द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इज हाफ ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स इज ऑल्सो हाफ द फोर दीज टू इवेंट्स आर सेट टू बी इक्वली लाइकली सिमिलरली वैन अ डायसिसोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आईर वन और टू और थ्री और फोर और फाइव और सिक्स इज वन बाई सिक्स दॉ दीज इट्स आर नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट्स the events which have different probabilities are said to be not equally likely events jin events ki probability same nahi hoti hai jinki is different hoti hai unko hum log bolte hain not equally likely events phir hai hamare paas impossible events jin events ki probability zero hai ho hi nahi sakta वो हो gaya आपके impossible events events which have zero probability are known as impossible events इवेंट्स हैव जीरो प्रोबेबिलिटी आर नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट्स फॉर एग्जाम्पल लेट्स के आज मंडे है ठीक है अगर आज मंडे है तो कल वेंसडे होगा इसकी प्रॉबिलिटी जीरो है ठीक है अगर आज मंडे है तो कल ट्यूजडे ही होगा कल वेंसडे तो नहीं हो सकता तो कल वेंसडे होने की प्रॉबिलिटी जीरो है देखो दिस इज दिस इवेंट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट इसी का ठीक उल्टा होता है श्योर या सर्टेन इवेंट्स जिनकी प्रॉबिलिटी हंड्रेड परसेंट है अगेन आज अगर मंडे है तो कल ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी हंड्रेड परसेंट है श्योर है कल ट्यूसडे ही होगा कल वेंसडे नहीं हो सकता ठीक तो है तो कल ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी वन है तो श्योर या सर्टेन इवेंट्स इवेंट्स विच हैव हंड्रेड परसेंट और वन प्रोबेबिलिटी आर नोन एज श्योर और सर्टन इवेंट्स फॉर एग्जाम्पल लेट टूडे बी वेंसडे नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो इज गोइंग टू बी थर्स डे इज हंड्रेड परसेंट दैट इज वन देफॉर दिस इवेंट इज अ श्योर और सर्टन इवेंट ठीक है

द इवेंट्स विच के नॉट अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बहुत सिंपल है अगर सिक्का उछालो तो एक ही बार में हेड्स और टेल्स दोनों साथ में नहीं आएंगे ठीक है अगर हेड्स आएगा तो टेल्स टेल्स नहीं आएगा तेल्थ आएगा तो हेड्स नहीं आएगा तो इन दोनों इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या इनकम्पेटेबल इवेंट्स फॉर एग्जाम्पल वेन इज टॉस्ड देर आर अ टोटल ऑफ टू आउटकम्स हेड्स एंड टेल्स टेल्सर दीज टू इवेंट्स के नॉट अकर एट द सेम टाइम If heads occur, tails would not occur. And if tails occur, heads would not occur. Therefore, these two events are said to be mutually exclusive events. Mutually exclusive events is, techni is technically defined as follows. When the occurrence of one event prevents the occurrence of other event, such events are known as mutually exclusive events. ठीक है द इवेंट्स विच कैन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स फॉर एग्जाम्पल वेन इज रोल्ड द इवेंट्स ऑड नंबर रोल्डेंट्स एंड नंबर कैन अकर टूगेदर ठीक है दो इवेंट्स हैं एक इवेंट है ऑड नंबर अकर ठीक है तो अब अगर थ्री आया तब भी वो ऑड नंबर है वन आया तब भी ऑड नंबर है फाइव आया तो भी ऑड नंबर है और एक दूसरा आ, आ, दूसरा इवेंट है कि फाइव आएगा ठीक है तो अब ये दोनों इवेंट साथ में तो हो सकते हैं अगर फाइव आया तो हम कहेंगे हाँ ऑड हा, भी आया और फाइव भी आया ठीक है तो ये दोनों ही इवेंट्स आपके एक साथ साइमल्टेनियसली हैपन हो रहे हैं अकर कर रहे हैं ठीक है देखो दीज इवेंट्स आर कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दीज इवेंट्स आर कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ठीक है फिर एक चीज होती है सर सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस क्या होती है आओ देखते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इज नोन एज सैंपल स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इज नोन सैंपल स्पेस द सम ऑफ प्रॉबिलिटी एलिमेंट इन दैंपल स्पेस इज ऑल ठीक है जितने भी पॉसिबल इवेंट्स उन सबका एक सेट वो होता है सैंपल स्पेस और जाहिर सी बात है जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं उन सबकी प्रॉबिलिटीज का सम टोटल वन होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल कॉइनज टू इवेंट में अकर हेड्स और टेल्स देखो द सैंपल स्पेस इज एच कॉमा टी Now, the probability of heads, heads is half and the probability of tails is half. And the sum total of this is half plus half is equal to 1. Therefore, we can see that the probability of the sample space is 1. Similarly, when a dice is rolled, 6 events may occur 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Therefore, the sample space is S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Think? Now, the probability of each of these events is 1 by 6.

ठीक है एक होता है सिंपल इवेंट्स जिसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोलते हैं और एक होता है कॉम्पोजिट इवेंट्स जिनको हम लोग कंपाउंड इवेंट्स भी बोलते हैं ठीक है सिंपल इवेंट्स वो होते हैं जिसको आप लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते ठीक है सिंपल इवेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू मल्टीपल पार्ट्स वेर एस कंपाउंड इवेंट्स या कॉम्पोजिट इवेंट्स कैन बी स्प्लिट इन मल्टीपल पार्ट्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ आई रोल्ड डाइस अगर मैंने एक एक मैंने पासा फेंका ठीक है और मैं कह रहा हूं कि इवेंट है कि नंबर सिक्स शुड अपियर ठीक है तो क्या इसको आप किसी और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हो नहीं ठीक है नंबर सिक्स अपियर्स को आप लोग और छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते हो लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि ऑड नंबर अपियर्स आई रोल्ड अ डाइस एंड आई एम सेइंग नंबर अपियर्स ठीक है तो ऑड नंबर अपियर्स को आप तीन अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हो वन अपियस थ्री अपियर्स फाइव अपियर्स ठीक है वन थ्री और फाइव अगर आपका अपियर हो रहा है तो ये आपके ऑड नंबर्स हैं तो ऑड नंबर अपियर्स को आपने तीन अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया तो ऑड नंबर विल विल बी 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 टू टू अ अ और कंपाउंड इवेंट ठीक एन इवेंट विच नॉट बी स्प्लिट इंटू टू और मोर पार्ट इज नोन एज अल इवेंट फॉर एग्जाम्पल वेन इज थ्रोन द इवेंट फाइव अकर्स के नॉट बी ब्रोकन इंटू एनी मोर पार्ट्स Thick? an event which cannot be broken down into two or more simple events is known as a co which can be broken down an event which can be broken down into two or more simple events is known as a composite event. for example when a dice is thrown the event odd number occurs can be broken down into two or more parts this is because if the numbers one three or five occur they correspond to our event odd number occurs Thick? therefore the event odd number occurs can be broken down into three parts. one occurs three occurs and five occurs. सिमिलरलीवेंट नंबर मोर दू अकर्स दो से ज्यादा आएगा इसको आप चार पार्ट में बांट सकते हो थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है कैन बी स्पलेड इन टू फोर पार्ट थ्री अकर्स फोर अकर्स अकर्स एंड सिक्स अकर्सोर इवेंट नंबर मोर देन टू अर्कर्स इज ऑल्सोजिट इवेंट ठीक है नंबर मोर देन टू अर्कर्स इज ऑल्सो कॉम्पोजिट इवेंट अब आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट इफ ए कॉइनस टॉस्ड र टू पॉसिबल इवेंट्स हेड्स और टेल्स नाउ वन ऑफ दीज इवेंट्स विल नेसेसरली अकर वेन अ कॉइन इज टॉस्ड ठीक है जब कॉइन को हम टॉस्ट करेंगे तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा ही नहीं एक तो होगा ही ठीक है ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स ठीक है या तो यह होगा या तो ये होगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स इसके अलावा कुछ नहीं होगा ठीक है या तो हेड्स होगा या तो टेल्स होगा इसके अलावा कुछ नहीं होगा आपने एक डाइस रोल किया या तो वन होगा या टू होगा या थ्री होगा या फोर होगा या फाइव होगा या सिक्स होगा उसके अलावा कुछ नहीं होगा ये सारे इवेंट्स को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और अ प्रायर डेफिनेशन ठीक है ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है इसके बारे में आप सब लोग जानते हो जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं वो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ही है ठीक है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यही है क्लासिकल डेफिनेशन आओ इसको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी कुछ कुछ और आएगा वो हम लोग एक बार देखेंगे जिससे आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें हेल्प हो जाए कंसिडर रैंडम एक्सपेरिमेंट विद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिनोटेड बाई एन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए एन कंसिडर द इवेंट डिनोटेड बाई ए फॉर विच वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉपेबिलिटी ठीक है ए वो वाला इवेंट है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सपोज द नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाई एन ए एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल वही है आपने एक डाइस रोल किया आपने एक डाइस रोल किया और आपका इवेंट है ऑड नंबर अकर्स आपका इवेंट है ऑड नंबर अकर्स ठीक है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसको हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसको हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं वो क्या है सिक्स ठीक है आपका ए इवेंट जो है वो है नंबर अकर्स ठीक है एंड नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए वो क्या हो जाएगा या मतलब ठीक है आर आर इवेंट्स आउटकम्स इन फेवर ऑफ द इवेंट ए ठीक है तो आपका जो एन ए है वो हो जाएगा थ्री उसके बाद प्रोबेबिलिटी कैसे दी हुई है प्रोबेबिलिटी है एन ए डिडेड बाई एन मतलब थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक then probability of event A is given by this. Okay. Now, instead of considering all the events, let's consider only the mutually exclusive. Mutually exclusive मतलब अगर एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा. Exhaustive, exhaustive मतलब उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा. And equally likely events मतलब हर event की जो probability है वो same है. Denoted by M. ठीक है, total number of events. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी एम ए ये भी सेम चीज ही है जो ये ऊपर है ना सेम चीज सी है कंसिडर द इवेंट डिनोटेड बाई ए फॉर विच वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी सपोज द नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाई एम देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन बाई अगेन सेम चीज ठीक है एम ए डिवाइडेड बाई एम ए डिवाइडर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूस एक्सॉस्टिव एंड इक्वली लाइकलीबल टू एंडलटेशन ओनली वेन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज फाइनाइट ठीक है अगर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को काउंट किया जा सकता है तभी यह वाली एप्लीकेबल होती है अदरवाइज नहीं होती इट कैन बी यूज ओनली व्हेन द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल ठीक है this definition has only, a limited field of a has only a limited field of application like coin tossing dice throwing drawing cards etc where the possible events are known well in advance in the field of uncertainty or where no prior knowledge is provided this definition is in inapplicable take are properties hai? properties probability of event prob probability of an event lies between 0 and 1 both inclusive Theik?

पॉस्टिफ और ए टू द पावर सी और ए बार एंड इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए दिस इज सिमिलर टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दैट वी स्टडीड इन सेट थ्योरी. द इवेंट ए अलॉन्ग विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म्स सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा ठीक है जाहिर सी बात है प्रॉबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्लस प्रॉबिलिटी उस इवेंट के ना होने की विल ऑलवेज भी इक्वल टू वन ठीक है एक सिक्का आपने उछाला हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है टेल्स ना हेड्स ना आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है इन दोनों का सम टोटल वन ठीक है हेड्स आना आपका फेवरेबल इवेंट है हेड्स ना आना आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ठीक है तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हेड्स के ना आने की प्रोबेबिलिटी भी है हाफ क्योंकि फिर टेल्स आ जाएगा टेल्स की प्रोबेबिलिटी हाफ है ठीक है इन दोनों का टोटल वन तो पी ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज वन राइट अच्छा पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वन माइनस पी ए ठीक है बिकॉज दोनों की प्रॉब्लम दोनों का सम टोटल वन है तो पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इज वन तो मतलब पी ए कॉम्प्लीमेंट इज वन माइनस पी ए, पी ए कॉम्प्लीमेंट इज वन माइनस पी है मतलब वन माइनस एम ए बाई एम तो उसके बाद ये गंदा सा फॉर्मूला आ जाता है एम माइनस एम ए होल अपॉन एम ठीक है फोर पी का कॉम्प्लीमेंट इज गिवन बाई एम माइनस एम ऑफ होल अपॉन एम नाउ ये इंपॉर्टेंट है जो प्रॉपर्टी नंबर थ्री है ये इंपॉर्टेंट है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू द नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट्स इज नोन एज ऑर्ड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट ए एंड इट्स इनवर्स रेशियो इज नोन एज ऑर्ड्स अगेंस्ट द इवेंट ए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट्स टू द नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट्स नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट्स नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट्स ये होता है ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए और इसका इनवर्स रेशियो जो होता है इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ए ठीक है ये फॉर्मूला है हम लोगों को क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करके काम करना है ठीक है ऑड्स इन फेवर ऑफ ए इज एम ए इज टू एम माइनस एम ए ऑड्स अगेंस्ट ए इज एम माइनस एम ए इज टू एम ए ठीक

तो यही है वेन एन एक्सपेरिमेंट विथ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ए कोई एक एक्सपेरिमेंट जिसका टोटल नंबर ऑफ इवेंट है ए एक डाइस को आपने थ्रो किया उसके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है सिक्स इज रिपीटेड बी नंबर ऑफ टाइम्स आपने उसको थ्री टाइम्स रिपीट किया देन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज गिवन बाई ए टू द पावर बी ठीक ये था आपका क्लासिकल डेफिनेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्वेश्चन देखो A coin is tossed थ्री times. What is the probability of getting two heads? या at least two heads? ठीक है तो अगर किसी coin को आप three times toss करते हो तो sample space आपका कैसे आएगा ठीक है पहले तो ये देखो कि total number of outcomes कितने होंगे तो पहली बार जब आप coin को toss करोगे तो उसके total number of outcomes कितने हैं Two. ठीक है आपने तीन बार toss किया तो two raised to the power three आपका आ गया eight. तो total number of outcomes आपके eight आएंगे ठीक है आई होप ये समझ में आ रहा है पहली बार जब आपने कॉइन टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे टू ठीक है आपने सेम एक्सपेरिमेंट को तीन बार किया तो टू इन टू टू रेज टू दावर थ्री एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग ऑफ अ कॉइन कंटेन कंटेनिंग टू आउटकम्स हेड्स एंड टेल्स दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड थ्री टाइम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज टू रेज टू द पावर थ्री विच इज एट ठीक है सैंपल स्पेस फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट इज अच्छा या तो एच ह एच एच होगा मतलब आपने तीनों बार टॉस किया तीनों बार हेड्स आ गया या पहली बार टॉस करने पे हेड आया दूसरी बार टॉस करने पे हेड आया तीसरी बार टॉस करने पे टेल्स आ गया या पहली बार टॉस करने पे हेड आया दूसरी बार टॉस करने पे टेल आया तीसरी बार टॉस करने पे हेड आ गया या पहली बार टॉस करने पे हेड आया दूसरी बार टॉस करने पे टेल आया तीसरी बार टॉस करने पे टेल आया इस तरह से हम लोगों ने आठों जो पॉसिबिलिटीज थी उसको हम लोगों ने सैंपल स्पेस में रख लिया है ठीक है आठों पॉसिबिलिटीज को हम लोगों ने सैंपल स्पेस में रख लिया है अब ये कह रहा है ऑफ टू हेड्स ठीक है तो टू हेड्स तो आपके इन तीन इवेंट्स में है या तो एच एच टी या तो एच टी एच या टी एच एच ठीक है किसी भी ऑब्जर्वेशन में टू हेड्स नहीं है ठीक है इसके अलावा किसी भी सैंपल पॉइंट में टू हेड्स नहीं है, है? राइट अब आप बोलोगे सर इसमें तो तीन है तो कोई बात नहीं इसमें तीन है ना हमसे तो प्रॉबेबिलिटी दो हेड्स की पूछी है हमसे प्रॉबेबिलिटी टू हेड्स की पूछी है ठीक है तो हमें सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को कंसिडर करना है जिसमें दो हेड्स हैं तो ओके वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ इवेंट्स कंटेनिंग टू हेड्स आर थ्री दैट इज एच एच टी एच टी एच एंड टी एच एच दे फॉर द प्रोबिलिटी इज थ्री बाई एट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने थ्री टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने एट तो आंसर प्रॉबेबिलिटी होगी थ्री बाई एट ठीक प्रॉबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड्स कम से कम दो हेड्स होने चाहिए दो से ज्यादा हो सकते हैं अब आपका ये जो ट्रिपल एच वाला है ये भी इसमें आ जाएगा ठीक है अब आपका इसमें ट्रिपल एच वाला आ जाएगा तो और ठीक है तो अब आपकी प्रॉबिबिलिटी आएगी फोर बाई एट विच इज पॉइंट फाइव ठीक है नेक्स्ट देखो डाइस इज रोल्ड ट्वाइस डाइस इज रोल्ड ट्वाइस तो एक डाइस के छ आउटकम्स होते हैं दो बार किया गया तो सिक्स टू द पावर टू विच इज थर्टी सिक्स तो टोटल सैंपल स्पेस के जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे आपके थर्टी सिक्स वट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट वट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स देखो यदि एक्सपेरिमेंट इज रोलिंग ऑफ ए डाइस

ठीक है आपको सोचना होगा कि अच्छा पहले अगर वन आया तो दूसरे डाइस में कितना आएगा कि डिफरेंस टू हो गया तो दूसरे डाइस में सिक्स आ गया ठीक है आप देखो मैंने क्या किया है वन टू थ्री फोर बस ठीक है उसके बाद फिर मैंने उल्टा करना शुरू कर दिया ठीक है ना कि पहले डाइस में अगर थ्री आया पहले डाइस में अगर थ्री आया तो क्या क्या हो सकता है पहले डाइस में अगर फोर आया तो क्या क्या हो सकता है पहले डाइस में अगर फाइव आया तो क्या क्या हो सकता है कि डिफरेंस टू आ जाए देफो द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए इज एट देफो प्रॉबिबिलिटी सिक्स विच इज पॉइंट टू टू नेक्स्ट टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली अगेन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली या तो आप दो पासों को एक साथ फेंको या तो आप एक ही पासे को दो बार फेंको बात तो एक ही है ठीक है तो इसको हम लोग ये भी मान सकते हैं कि वन डाइस इज रोल्ड ट्वाइस तो अगेन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ पॉइंट्स ऑन द टू डाइस वुड बी सेवन और मोर या तो सेवन होगा सम या सेवन से ज्यादा होगा ठीक है तो अगर सम सेवन हुआ तब भी हमारे फेवर में है अगर सम एट हुआ तब भी हमारे फेवर में अगर सम नाइन हुआ तब भी हमारे फेवर में अगर सम टेन हुआ तब भी हमारे फेवर में अगर सम 11 हुआ तब भी हमारे फेवर में है और अगर सम 12 हुआ तब भी हमारे फेवर में है ठीक है तो देखो टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इज द सेम एज वन डाइस बींग थ्रोन टो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर सिक्स स्क्र विच इज थर्टी सिक्स ठीक है द क्वेश्चन आस्क द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम बींग सेवन और मोर वी नो दैट द दाइएस्ट सम कैन बी ट्वेल्व वेन बोथ द डाइस शो सिक्स दोनों पासों पे सिक्स आएगा तो हाईएस्ट नंबर आएगा तब तभी हाईएस्ट सम पॉसिबल है ट्वेल्व तो सेवन से लेकर ट्वेल्व तक के कोई भी सम हम लोगों को एक्सेप्टेबल है मतलब सेवन से ट्वेल्व के बीच का सम का कोई भी इवेंट हमारे लिए फेवरेबल इवेंट है ना टोटल ऑफ सेवन और मोर दैट इज सेवन और एट और नाइन और टेन और इलेवन और ट्वेल्व कैन अकर इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ठीक है अगर सम सेवन है तो कितने इवेंट्स में पॉसिबल है वो इन सारे इवेंट्स में पॉसिबल है अगर वन सिक्स आए तो सेवन आ गया टू फाइव आए तो सेवन आया थ्री फोर आया तो सेवन आया फोर थ्री आया तो सेवन आया फाइव टू आया तो सेवन आया सिक्स वन आया तो सेवन आया ठीक है तो टोटल सिक्स इवेंट्स में आपका सम सेवन आ सकता है टोटल सिक्स इवेंट्स में आपका सम सेवन आ सकता है मतलब ये छह इवेंट्स हमारे फेवर में हो गए अगर सम सेवन या सेवन से ज्यादा आया तो वो इवेंट हमारे फेवर में हो गए सिमिलरली जो सम अगर एट चाहिए आपको तो टू सिक्स से भी एट आएगा थ्री फाइव से भी एट आएगा फोर फोर से भी एट आएगा फाइव थ्री से भी एट आएगा सिक्स टू से भी एट आएगा मतलब ये फाइव इवेंट्स हमारे फेवर में है सिमिलरली नाइन सम के लिए अगर आपको सम टोटल नाइन चाहिए तो ये चार इवेंट्स हैं ये हमारे फेवर में है अगर आपको सम टेन चाहिए तो ये तीन इवेंट्स हमारे फेवर में है अगर आपको सम इलेवेन चाहिए तो ये दो इवेंट्स हमारे फेवर में है अगर आपको सम ट्वेल्व चाहिए तो ये एक इवेंट हमारे फेवर में है हमारे पास टोटल ट्वेंटी वन इवेंट्स हैं जो कि हमारे फेवर में है टोटल ट्वेंटी वन इवेंट्स हमारे फेवर में हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है थर्टी सिक्स तो ट्वेंटी वन बाई थर्टी सिक्स हमारी प्रॉपेबिलिटी आ गई ठीक है ट्वेंटी वन बाई थर्टी सिक्स हमारी प्रॉबीबिलिटी आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स ठीक है ताश के बावन पत्ते हैं उसमें से ये पूछ रहा है कि या तो आप स्पेड उठाओ ठीक है या तो स्पेड या कोई एस लेकिन वो एस स्पेड का नहीं होना चाहिए ठीक है इसने दो अलग अलग इवेंट्स बताए कह रहे है या तो ये हो या तो ये हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ठीक है तो यहां पर हम अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे परम्यूटेशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर और आता है तो हम एड करते हैं अगर एंड आता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर और आता है तब तो हम ऐड करते हैं अगर एंड होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो यहां पर यही करेंगे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्पीड ट इज अ प्रॉबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्पेड और फिर हम देखेंगे वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एस विच इज नॉट अव अ स्पीड ठीक है वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ पिकिंग पिकिंग एन एस विच इज नॉट अव स्पीड इन दोनों प्रॉबिलिटीज को हम लोग एड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है तो जिन लोगों को ताश के बारे में कोई आइडिया नहीं है उन लोगों के लिए मैंने ये दिया हुआ है वी नो दैर पैक ऑफ कार्ड्स वी हैव चार आपके फेसेस होते हैं एक होता है हार्ट डायमंड स्पेड क्लब ठीक है हार्ट्स डायमंड्स स्पेड और क्लब ठीक है इन चारों टाइप के पत्तों में ये तेरह कार्ड्स होते हैं ठीक है दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस फिर होता है जैक क्वीन किंग और एस ठीक है इन चारों में ये थर्टीन कार्ड्स होते हैं और इसलिए ये थर्टीन कार्ड्स को थर्टीन इंटू फोर अगर आप करोगे तो ये टोटल फिफ्टी टू कार्ड्स बन के आते हैं ठीक है तो अब आप देखो आपके पास फोर एस है एक एस हार्ट का एक एस डायमंड का एक एस स्पेड का और एक एस क्लब्स का ठीक है एक एस क्लब का ठीक है अच्छा और क्या पूछा है पिकिंग अ स्पेड ओके स्पेड के आपके पास थर्टीन कार्ड्स हैं स्पेड के आपके पास थर्टीन कार्ड्स हैं ठीक है कार्ड्स में से टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए फिफ्टी टू ठीक है फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड अगर आप कोई कार्ड विथड्रॉ कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए फिफ्टी टू ठीक है क्या प्रॉबेबिलिटी के उसमें स्पेड आए तो स्पेड के अगर ये तेरह कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आ गया तो वो इवेंट आपके फेवर में हो गया ठीक है आपको स्पेड पिक करना है इन थर्टीन में से कोई भी एक कार्ड अगर आपके पास आ गया तो वो इवेंट आपके लिए फेवरेबल हो गया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्पेड थर्टीन बाई फिफ्टी टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने फिफ्टी टू ठीक है टोटल नंबर ऑफ स्पीड कितने थर्टीन तो प्रॉबिलिटी ऑफ पिकिंग अपीड थर्टीन बाई फिफ्टी टू ठीक है प्रॉबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ अस्पीडर्टीन बाई फिफ्टी टू नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल इवेंट्स टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स फिफ्टी टू ठीक तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पिकिंग अ स्पीड ये तो हो गया हमारा ठीक है अब कह रहे हैं, एक कोई एस विच इज नॉट ऑफ स्पीड ठीक है तो हमारे पास चार एस है हार्ट का एस है डायमंड का एस है स्पीड का एस है क्लब का एस है हमारे लिए फेवरेबल कब होगा अगर हार्ट का एस आया या डायमंड का एस आया या क्लब का एस आया अगर स्पेड का एस आ गया तब हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा तो मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं थ्री हैं ठीक है हार्ट का एस डायमंड का एस और क्लब का एस इन तीन ये तीन एस अगर हमारे पास आए तो हमारे लिए इवेंट फेवरेबल हो गया टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं फिफ्टी टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स फिफ्टी टू तो थ्री बाई फिफ्टी टू इसकी प्रॉबिलिटी हो गई ठीक है तो प्रॉबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ अपीड वो कितना हुआ थर्टीन बाई फिफ्टी टू और प्रॉबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप एन एस विच इज नॉट ऑफ स्पीड ये हो गया थ्री बाई फिफ्टी टू इन दोनों को टोटल कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा देखो प्रॉबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्पीड थर्टीन बाई फिफ्टी टू विच इज पॉइंट टू फाइव probability of picking an ace not of spade is 3 by 52 which is 0.06. therefore probability of picking a spade or an ace not of spade spades 0.25 plus 0.06 which is 0.31 अब आप ऑप्शंस ट्राई करो तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 4 by 13 कैलकुलेटर पे आप 4 by 13 जब करोगे कैलकुलेटर मेरा खुला हुआ है ना हाँ 4 by 13 जब आप करोगे तो 0.31 आ गया ठीक है 0.31 आ गया तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रॉबिलिटी दरअ फोर डिजिट नंबर कंप्राइजिंग द डिजिट टू फाइव सिक्स एंड सेवन वुड बी डिविजिबल बाई फोर अच्छा हमें इन चार डिजिट्स को यूज़ करके ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो कि फोर से डिविजिबल हो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर फोर से डिविजिबल है या नहीं जाहिर सी बात है सर आप कहोगे कि कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आप कोई भी फोर डिजिट नंबर लो कैलकुलेटर पे डिवाइडेड बाय फोर करके देख लो फॉर एग्जांपल वन टू थ्री फोर डिवाइडेड बाय फोर 308.5 आ रहा है तो मतलब ये फोर से डिविजिबल नहीं है ठीक है तो एक बात बताओ ये टू फाइव सिक्स और सेवन ठीक है टू फाइव सिक्स और सेवन से कितने फोर डिजिट नंबर्स बन सकते हैं फोर फैक्टोरियल ठीक है हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत आराम से सीखा था कि दीज फोर नंबर्स कैन बी अरेन्ज्ड इन फोर फैक्टोरियल वेज ठीक है तो मतलब द फोर डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड द नंबर ऑफ फोर डिजिट that कैन बी formed यूजिंग these फोर digits इज़ four फैक्टोरियल तो फोर फैक्टोरियल करके आता है हमारे पास ट्वेंटी फोर तो क्या हम क्या हम चौबीस नंबर बनाए चौबीस नंबर को एक एक नंबर पुट कर करके हम लोग पे रखें उसको फिर डिवाइड करें फोर से और उसके बाद देखें कि क्या वो नंबर डिविजिबल बाई फोर है या नहीं है नहीं ठीक है हम क्या करते हैं कोई भी नंबर कोई भी नंबर अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होता है या नहीं होता है इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं इसको फाइंड आउट करने के कुछ तरीके होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यह पता करना है कि कोई एक गिवन नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं तो आप क्या करोगे सिंपली आप देखोगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है अगर कोई भी इवन नंबर होगा तो जाहिर सी बात है वो टू से डिविजिबल होगा ऑड नंबर होगा तो वो टू से डिविजिबल नहीं होगा ठीक है तो कोई नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं इसको फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू लुक एट द नंबर और अगर वो नंबर इवन है तो टू से डिविजिबल है नहीं तो नहीं है ठीक है थ्री से डिविजिबल पता करने के लिए क्या होता है थ्री से डिविजिबल मैं चलो आप लोगों को एक नंबर देता हूं मैं नंबर दे रहा हूं वन ठीक है मैं बता रहा हूं कि 123 ट्वेंटी थ्री इज डिविजिबल बाई थ्री ठीक है ट्राई करें 123 ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाई थ्री ये देखो 41 मुझे कैसे पता चला 123 ट्वेंटी थ्री डिविजल बाई थ्री है या नहीं ठीक है एक और नंबर मैं थ्री ट्वेंटी सेवन ठीक थ्री ट्वेंटी सेवन भी डिविजिबल बाई थ्री होगा थ्री ट्वेंटी सेवन डिविजल बाई थ्री एक सौ नौ ठीक मैं कर क्या रहा हूं कि जो भी नंबर मैं आपको दे रहा हूँ ना उनके डिजिट्स का अगर आप सम टोटल करोगे तो जो नंबर आएगा दैट विल बी डिविजिबल बाई थ्री फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने दिया था वन ट्वेंटी थ्री ठीक है तो वन ट्वेंटी थ्री की क्या क्या डिजिट्स हैं वन टू और थ्री तो अगर आप करो वन प्लस टू प्लस थ्री तो ये आया सिक्स एंड वी नो दैट सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री ठीक है तो मतलब 123 विल आल्सो बी डिविजिबल बाय थ्री ये थ्री से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल है ये थ्री से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल है कि अगर कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो अगर आपको ये चेक करना है कि क्या वो नंबर थ्री से डिविजिबल है या नहीं तो आप क्या करोगे आप उसका आ, आप उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम टोटल कर दोगे और अगर वो सम टोटल थ्री से डिविजिबल है तो मतलब वो ओरिजिनल नंबर भी थ्री से डिविजिबल है फोर का क्या रूल है अगर कोई नंबर फोर से डिविजिबल है या नहीं इसको पता करने का क्या रूल है इसको पता करने का ये रूल है कि कोई भी फोर डिजिट नंबर सपोज वन टू थ्री फोर ले लो आप ठीक है तो हम लास्ट की दो डिजिट्स देखते हैं हम ये लास्ट की दो डिजिट्स देखते हैं थर्टी फोर ठीक है क्या थर्टी फोर फोर से डिविजिबल है क्या थर्टी फोर फोर से डिविजिबल है थर्टी फोर थर्टी फोर डिविजिबल बाई फोर है ना एट पॉइंट फाइव है ठीक है तो थर्टी फोर इज नॉट डिविजिबल बाई फोर मतलब वन टू थ्री फोर को भी जब आप फोर से डिवाइड करोगे तो आंसर डेसिमल में आएगा ठीक है तो किसी भी फोर डिजिट नंबर का जो फोर uh, से uh, किसी किसी भी नंबर का फोर से डिविजिबिलिटी है या नहीं है उसको चेक करने का जो रूल है वो ये है कि लास्ट के टू डिजिट्स फोर से डिविजिबल होनी चाहिए ठीक है अगर मैं एक बड़ा सा नंबर ले लिया सेवन एट नाइन फोर फोर एट ठीक है सेवन एट नाइन फोर एट मैं बता सकता हूं कि हाँ ये फोर से डिविजिबल है क्यों क्योंकि लास्ट के दो डिजिट्स देखो फोर्टी एट ठीक है फोर्टी एट इज डिविजिबल बाई फोर हिन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फोर वाला ठीक है सर तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं टू फाइव सिक्स सेवन से हमें ऐसे फोर डिजिट नंबर्स बनाने हैं जो कि फोर से डिविजिबल हो राइट लास्ट के दो डिजिट्स लास्ट की जो दो डिजिट्स हैं वो फोर से डिविजिबल होनी चाहिए तो आओ पहले हम लोग इससे ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे दो डिजिट वाले नंबर्स बन सकते हैं जो कि फोर से डिविजिबल होंगे ठीक है तो देखो 25 बन सकता है 26 बन सकता है 27 बन सकता है लेकिन 25 भी फोर से डिविजिबल नहीं है ट्वेंटी सिक्स भी फोर से डिविजिबल नहीं है ट्वेंटी सेवन भी फोर से डिविजिबल नहीं है ठीक है फिफ्टी टू फिफ्टी टू क्या 52 4 से डिविजिबल है 52 डिवाइडेड बाय 4 यस yes. तो 52 4 से डिविजिबल है ठीक 56 क्या 4 से डिविजिबल है यस yes. 52 इन दोनों को कंबाइन किया 56 इन दोनों को कंबाइन किया 57 4 से डिविजिबल है नहीं तो 52 और 56 फोर से डिविजिबल है ठीक सिक्स में देखो 62 65 67 62 नो no. 65 नो no. 67 नो no. ठीक सेवन में देखो सेवेंटी टू सेवनटी फाइव सेवनटी सिक्स सेवनटी टू यस सेवनटी फाइव नो सेवनटी सिक्स यस ठीक है तो चार नंबर्स हम लोगों को ऐसे मिले चार टू डिजिट नंबर्स हम लोगों को ऐसे मिले जो कि फोर से डिविजिबल हैं ठीक है आपको बनाने कितने फोर डिजिट नंबर्स बनाने हमें अभी टू डिजिट नंबर्स हम लोगों ने निकाले जिससे कि हम लास्ट की डिजिट्स में लास्ट की दो डिजिट्स में इनको पुट कर दें ठीक है अब आ जाओ एक चीज ये देखो आपको फोर डिजिट नंबर्स बनाने ठीक अरे भैया क्या हो रहा है हो जाओ कायदे से यस yes. ठीक है आपको चार डिजिट्स न, आपको चार बनाने तो मतलब ये जो दो स्पेसेस हैं ये जो लास्ट वाली दो स्पेसेस हैं दीज टू स्पेसेस कैन बी फिल्ड इन फोर वेज दीज टू स्पेसिस कैन बी फिल्ड इन फोर वेज क्यों क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि ये चार नंबर्स हैं गए वो चार नंबर्स ये 52, 56, 72 एंड 76, ठीक है ये चार नंबर्स हैं जो अगर लास्ट के दो डिजिट्स बनेंगे तो वो पूरा नंबर फोर से डिविजिबल होगा ठीक है तो ये जो लास्ट की दो डिजिट्स हैं जिसको मैंने यहाँ पर बॉक्स बना के रखा हुआ है ये जो लास्ट की दो डिजिट्स हैं ये चार तरीकों से फिल की जा सकती हैं ठीक है तो दीज लास्ट टू लास्ट टू प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन फोर वेज दीज कैन बी फिल्ड इन फोर वेज ठीक है अब चार नंबर्स में से चार डिजिट्स में से ये जो चार डिजिट्स हैं टू फाइव सिक्स सेवन ठीक है इनमें से दो डिजिट्स तो इधर चली गई दो डिजिट्स इधर चली गई बची कितनी दो उन दोनों को हमें इन दोनों स्पेसेस में फिल करना है बची हुई दो डिजिट्स को हमें इन दोनों स्पेसेस में फिल करना है वो हम कितने तरीकों से कर सकते हैं इन टू फैक्टोरियल वेज ठीक है तो टू फैक्टोरियल इन टू फोर विल गिव यू एट तो इन चार डिजिट्स को यूज करके फोर डिजिट नंबर्स जो कि फोर से डिविजिबल हैं वो आठ होंगे ठीक है आठ नंबर्स ऐसे होंगे जो कि कंप्लीटली फोर से डिविजिबल होंगे और टोटल नंबर्स कितने हैं ट्वेंटी फोर है, 24 है? टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर कितने ट्वेंटी फोर है प्रॉबेबिलिटी क्या होगी एट बाई ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री थ्री सिंपल ठीक है हमने क्या किया पहले हम लोगों ने देखा कि टू डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई फोर ठीक है तो वी फाउंड आउट दैट देर आर फोर टू डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई फोर राइट तो हमने ये जो चार स्पेसेस हैं ये जो चार स्पेसेस हैं इनमें से जो लास्ट की दो स्पेसेस हैं उनको बता दिया कि दे कैन बी फिल्ड इन फोर वेज कैन बी फिल इन फोर वेज ठीक है उसके बाद दो डिजिट्स बची और दो प्लेसेस बची दो डिजिट्स को दो प्लेसेज में हम कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं टू फैक्टोरियल वेज में तो टू फैक्टोरियल इंटू फोर विल गिव यू एट तो मतलब देर आर एट फोर डिजिट नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजल बाई फोर टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स ट्वेंटी फोर तो एट बाई ट्वेंटी फोर इज योर प्रॉबर डिलेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो

ठीक है मतलब तेरह लोगों में से हमें सात मेंबर्स को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्शन आप कैसे यूज करते हो कॉम्बिनेशन की मदद से करते हो तो थर्टीन सी सेवन ठीक है थर्टीन सी सेवन इन वन वन सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटीन वेज यू कैन फॉर्म अ कमिटी ऑफ सेवन मेंबर्स फ्रॉम दिस थर्टीन पीपल ठीक है तो अ कमिटी ऑफ सेवन मेंबर्स कैन बी फॉर्मड इन थर्टीन सी सेवन मतलब वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटीन वेज ठीक अब आप कह रहे हो कि आपको दो लेडीज चाहिए ठीक है मतलब इन फाइव लेडीज में से आपको दो लेडीज चाहिए तो हा इन हाउ मेनी वेज़ कैन यू सेलेक्ट टू लेडीज आउट ऑफ फाइव लेडीज इन फाइव सी टू वेज ठीक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की हुई है उसकी तो पांच लेडीज में से दो को सेलेक्ट करना है तो फाइव सी टू वेज में दो लेडीज आ गई ठीक है कमेटी बनानी है सेवन मेंबर्स की दो लेडीज हमने अलग कर दी अब बचे कितने फाइव मेंबर्स ठीक है ये पांच मेल मेंबर्स होंगे क्योंकि लेडीज तो सिर्फ दो हो सकती थी तो ये पांच मेल मेंबर्स आपको आठ जेंटलमैन में से सेलेक्ट करने हैं ठीक है तो एट सी फाइव ठीक एट सी फाइव तो नंबर ऑफ वेज अ कमेटी कैन बी फॉर्मड कंप्राइजिंग ऑफ टू लेडीज इज फाइव सी टू इंटू एट सी फाइव फाइव सी टू कहां से आए यू सिलेक्टेड टू लेडीज आउट ऑफ द फाइव लेडीज एंड एट सी फाइव कहां से आए यू सिलेक्टेड फाइव जेंटलमैन आउट ऑफ द एट जेंटलमैन ठीक है तो 560 सिक्सटी हुई तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकालने कौन सी बड़ी बात है 560 सिक्सटी डिवाइडेड बाई वन सेवन वन सिक्स आ गई प्रॉबीबिलिटी ठीक है अब बात कर रहा है ये एटलीस्ट टू लेडीज कम से कम दो लेडीज होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर अलग अलग केसेस बनेंगे उन सारे केसेस को हम लोग एडअप्ट करेंगे अच्छा एटलीस्ट टू लेडीज मतलब कम से कम दो लेडीज होंगी दो से ज्यादा भी हो सकती हैं मतलब तीन लेडीज भी हो सकती हैं चार लेडीज भी हो सकती हैं पांच लेडीज भी हो सकती हैं है, क्या छह लेडीज हो सकती हैं हो ही नहीं सकती है? क्योंकि हमारे पास टोटल फाइव ही लेडीज हैं ठीक है हमारे पास टोटल फाइव लेडीज हैं तो हम छह लेडीज कहाँ से लाएंगे राइट तो टू लेडीज के लिए हम कमेटी इतने इतने तरीकों से बना सकते हैं एक होगा अपने पास टू लेडीज प्लस फाइव जेंट्स टू लेडीज प्लस फाइव जेंट्स ठीक है तो लेडीज होगा फाइव सी टू जेंट्स होंगे एट सी फाइव और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा फिफ्टी फाइव सिक्सटी ठीक दूसरी तरह से बन सकता है कि थ्री लेडीज और फोर जेंट्स ले लिए उसके बाद ये सारी चीज़ें दी हुई है। हैं फिर फोर लेडीज प्लस थ्री जेंट्स फिर फाइव लेडीज प्लस टू जेंट्स और इस तरह से हम लोग सबका टोटल कर देंगे और अल्टीमेटली हमारी प्रॉबिलिटी इस तरह से निकल आएगी वन फाइव सिक्स एट डिवाइडेड बाई वन सेवन वन सिक्स वन सेवन वन सिक्स इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ कमिटी कैन बी फॉर्म्ड ठीक है अब हमारे आंसर्स पॉइंट्स में निकले पॉइंट नाइन वन थ्री एट निकला है और पॉइंट थ्री टू सिक्स थ्री निकला है तो अब आप ऑप्शन लेकिन ऑप्शन आपके फ्रैक्शन में तो आप एक एक ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो कैलकुलेटर पर कर लो जैसे पहला है पहला ऑप्शन है वन फोर्टी बाई फोर ट्वेंटी नाइन क्या आया पॉइंट थ्री टू सिक्स थ्री आया हमारा पॉइंट थ्री टू सिक्स थ्री पॉइंट थ्री टू सिक्स थ्री है ये तो सही है आ जाओ सेकेंड देखते हैं सेकेंड क्या है 392 नाइन्टी टू बाई फोर तो 392 नाइन्टी टू बाई फोर ट्वेंटी नाइन या हाँ पॉइंट नाइन ठीक है तो अपना ये सही हो गया ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ठीक है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये देख लो बहुत सिंपल है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मैंने बुक में भी लिखा हुआ है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन से समझ में आएगा फॉलोइंग डेटा रिलेट्स द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वेजेस हैं 50 टू 60 रुपीज साठ से 70 70 अस्सी अस्सी नब्बे नब्बे सौ ए, सौ एक सौ दस एक सौ दस एक सौ बीस नंबर ऑफ वर्कर्स दिए ट्वेंटी थ्री थर्टी सिक्स फोर्टी टू सेवनटीन टवेल्व और फाइव ठीक अब ये कह रहा है इफ़ अ वर्कर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द एंटायर ग्रुप ऑफ वर्कर्स आपने सारे वर्कर्स में से एक वर्कर को पिक किया वट इज द प्रॉबेबिलिटी दैट इज वेज वुड बी लेस दैन फिफ्टी वट इज द प्रॉबेबिलिटी दैट इज वेज वुड बी लेस दैन फिफ्टी तो क्वेश्चन देखते ही हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी वर्कर नहीं है जिसकी वेज 50 से कम हो ठीक है ऐसा कोई भी वर्कर नहीं है देखो वेजेस के जो ब्रैकेट्स हैं वेजेस के जो स्लैब्स हैं वही 50 से शुरू हुए 50 टू 60 60 टू 70 एंड सो ऑन राइट तो ऐसा कोई भी वर्कर नहीं है जिसको वेज फिफ्टी रुपीज से कम मिल रही है तो अगर आप रैंडमली कोई भी वर्कर सेलेक्ट कर लोगे तो प्रॉबेबिलिटी दैट इज वेज इज लेस दैन फिफ्टी रुपीज इज जीरो ऐसा कोई वर्कर है ही नहीं अपने ग्रुप में ठीक है अच्छा नेक्स्ट हिज वेज वुड भी लेस दैन एट्टी रुपीज अब एट्टी में कितने वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी वेज लेस दैन एट्टी है ओके okay. ये फिफ्टीन क्या इनकी वेज लेस दैन एट्टी है येस yes. क्यों क्योंकि इनकी वेज तो फिफ्टी से सिक्सटी के बीच में है ठीक प्लस ये ट्वेंटी थ्री क्या इनकी वेज एट्टी से कम है यस yes. क्योंकि इनकी वेज सिक्सटी से सेवनटी है फिर ये थर्टी सिक्स क्या इनकी वेज एट्टी से कम है येस yes. क्योंकि ये सेवेंटी टू एट्टी है ठीक 80 90 है एट्टी टू नाइन्टी वाला ब्रैकेट है हमें सेवेंटी टू एट्टी तो एट्टी रुपीज से कम जितने भी वर्कर्स की वेजेस हैं वो कितने हो गए फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी सिक्स फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी सिक्स टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने है? इन सब का टोटल लिया जाएगा फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी सिक्स प्लस फोर्टी टू प्लस सेवनटीन प्लस ट्वेल्व प्लस फाइव ठीक है उसके बाद आप डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी बहुत आराम से निकाल सकते हो बच्चों का खेल है

150 तो 74 फोर बाई वन ठीक हिज वेज वुड बी मोर देन 100 रुपीस अच्छा मोर देन 100 में कौन कौन आएंगे ये दोनों आएंगे 12 प्लस फाइव सेवनटीन ठीक है मोर देन 100 में यही लो लोग आएंगे तो 12 प्लस फाइव सेवनटीन तो 17 डिवाइडेड बाई 150 17 डिवाइडेड बाई 150 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई उसके बाद हिज वेजेस वुड बी बिटवीन 17 एंड 100, 70 एंड 100, 70 से 100 के बीच में तो ये आ गए ये आ गए और ये आ गए तो 36 सिक्स प्लस फोर्टी टू प्लस सेवनटीन ठीक है 70 से 100 के बीच में 36 सिक्स प्लस फोर्टी टू प्लस सेवनटीन ये होता है आपका 95 तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 95 फाइव बाई वन डन नेक्स्ट टॉपिक है सर हमारे पास ऑपरेशन ऑन इवेंट्स ये है एक सेट थियोरेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी ठीक है प्रॉबिलिटी को अगर आप सेट थ्योरी वाली अप्रोच से शुरू करो या देखने की कोशिश करो तो फिर किस तरह से आएगा उस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है हम लोग सेट थ्योरी में बात करते थे कि एक यूनिवर्सल सेट होता है ठीक है सेट थ्योरी में हम लोग बात करते थे कि एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स होते हैं ठीक है थेके? तो एवरी सेट एवरी सेट वॉज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट ठीक है एक बड़ा सा रेक्टेंगल होता था ना यूनिवर्सल सेट उसके अंदर गोले बनते थे वेन डायग्राम्स हम लोग बनाते थे तो जो भी गोला होता था वो एक पर्टिकुलर सेट डिनोट करता था और वो सारे के सारे क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट वाले रेक्टेंगल के अंदर होते थे तो मतलब एवरी सेट वो अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट राइट अच्छा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे प्रॉबीबिलिटी में भी अगर आप प्रॉबिबिलिटी को ध्यान से देखो तो प्रॉबिबिलिटी में हमारा एक सैम्पल स्पेस बनता है ठीक है प्रॉबिबिलिटी में हमारा सैम्पल स्पेस बनता है विच कंटेन्स एवरी पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट वी आर कंडक्टिंग ठीक है द सैम्पल स्पेस कंटेन्स एवरी पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट वी आर कंडक्टिंग दो सैम्पल स्पेस इज काइंड ऑफ द यूनिवर्सल सेट ठीक है जो हमारा सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट होता था वो यहाँ प्रॉबिबिलिटी में सैम्पल स्पेस है ठीक है और जो भी इवेंट हम लोगों को चाहिए होता है जो भी इवेंट हम लोगों को चाहिए फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने सिक्का उछाला हम चाहते हैं कि हेड्स आए प्रॉबेबिलिटी क्या है ठीक है अगर उसको सेट थ्योरी में हम देखें तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास दो आउटकम्स आएंगे हेड्स प्लस टेल्स मतलब हेड्स और टेल्स दोनों ठीक है और उसके अंदर एक छोटा सा गोला बना हुआ रहेगा जो कहेगा हेड्स ठीक है तो यहां पर भी वही है सैंपल स्पेस इज योर यूनिवर्सल सेट जिसमें हेड्स और टेल्स दोनों हैं ठीक और उसके अंदर एक छोटा सा गोला है जो कि हमारे इवेंट को डिनोट कर रहा है जो कि हमारे इवेंट को डिनोट कर रहा है हमारे इवेंट क्या है हम चाहते हैं कि हेड्स आए ठीक है हेड जाने की प्रॉबिबिलिटी क्या है वो हम लोगों को आपको और मुझे पता है ठीक है लेकिन सेट थ्योरी की अप्रोच से अगर देखा जाए तो आपका यूनिवर्सल सेट जो है उसका कार्डिनल नंबर होगा टू हेड्स टेल्स ठीक है जो आपका सैंपल स्पेस है वही आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें दो आउटकम्स हैं हेड्स और टेल्स तो मतलब जो यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर है वो टू है ठीक है अच्छा हाउ मेनी नंबर ऑफ केसेस आर इन फेवर ऑफ योर इवेंट प्रॉबेबिलिटी में हम ऐसे ही करते हैं नंबर ऑफ केसेज इन फेवर ऑफ योर इवेंट ठीक है वही अपना वेन डायग्राम जो अंदर एक गोला बनेगा उसमें आएगा तो उसके अंदर तो सिर्फ एक ही है हेड्स तो मतलब हमारे इवेंट का हमारा जो अंदर वाला गोला है उसका कार्डिनल नंबर क्या है वन ठीक है तो कार्डिनल नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस और द यूनिवर्सल सेट इज टू कार्डिनल नंबर ऑफ द इवेंट वाला सेट जो हमारा सेट है जो गोला है वन प्रोबेबिलिटी वन बाई टू ठीक है कार्डिनल नंबर अपने इवेंट वाले सेट का अपॉन कार्डिनल नंबर यूनिवर्सल सेट का सिंपल ठीक देखो सैम्पल स्पेस रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय एस और ये वाला जो बड़ा सा सिंबल है इसको बोलते हैं ओमेगा ठीक एन इवेंट ए इज डिफाइंड एज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस ठीक सिंपल ए को आप मानो एक गोला जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर पड़ा हुआ है ठीक है तो एन इवेंट ए इज डिफाइंड एज अ नॉन एम टी सबसेट ऑफ एस देन प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन बाय कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस ठीक है कार्डिनल नंबर ऑफ ए हमारा जो इवेंट है उसके अंदर जितने भी केसेस हैं उनका नंबर ठीक और कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट आपके पूरे टोटल नंबर ऑफ केसेस वेर एन ए इज अ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड एन एस इज अ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एस ठीक बहुत सिंपल है

ठीक तो uh, है तो ए और बी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हैं मतलब इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं कोई कॉमन चीज है ही नहीं उनमें ठीक है हेड्स अलग है टेल्स अलग है ये दोनों मैच कर ही नहीं रहे ये दोनों कहीं से भी ओवरलैप नहीं कर रहे तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट ठीक देखो प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन if if uh, मतलब के बीच में कुछ ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज जीरो प्रोबेबिलिटी के दोनों आ सकते हैं वो हो जाएगा प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ठीक है प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी हो जाएगा आपका प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबेबिलिटी ऑफ बी राइट

ओके टू इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं जैसे सिक्का उछाला हेड्स या टेल्स ही आएगा उसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता ठीक है अब ये मत बोलना कि सर हवा में ऐसे आके सीधा लटक गया वो ठीक है तो अगर आपने सिक्का उछाला तो हेड्स या टेल्स आएगा ये दोनों इवेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं द ऑल पॉसिबल इवेंट्स दैट मे हैपन ठीक है तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो टू इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इफ प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज वन ठीक है या तो ए होगा या तो बी होगा उन दोनों का सम टोटल प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी क्या होगा प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी ठीक है इनका सम टोटल अगर वन है मतलब ए और बी जो इवेंट्स हैं वो आपके एग्जॉस्टिव है सीधी सी बात है प्रॉबीबिलिटी का सम टोटल वन होता है ठीक अगर प्रॉबीबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबिबिलिटी ऑफ इवेंट बी वन आ रहा है मतलब वो इवेंट्स आपके दोनों एक्जॉस्टिव हैं Similarly, three events A, B, C are exhaustive if probability of A union B union C is one. ठीक? Three events A, B, C are equally likely. Equally likely मतलब heads भी आ सकता है, tails भी आ सकता है. ठीक है? Fifty fifty chance है. If probability of A is probability of B is probability of C. ठीक है? तो ये हमारी कुछ theory थी operations on events, set theoretic approach to probability. इसपे हम लोग question करेंगे तो और कायदे से समझ पाएंगे चीज़ें. क्वेश्चन देखो थ्री इवेंट्स ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली सारे बता दिए बहुत बढ़िया जो तीन इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज अ नल सेट ठीक है मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इज ए प्लस बी प्लस सी ओके एग्जॉस्टिव मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज वन एंड इक्वली लाइकली मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ट इज द प्रॉबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री आपको याद है कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता था ए कॉम्प्लीमेंट एक यूनिवर्सल सेट है एक उसके अंदर वेन डायग्राम बना हुआ है ए तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है वो ठीक है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ दो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे ठीक तो अब देखो सॉल्यूशन देखो सिंस ऑल थ्री इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वी हैव पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी ठीक है ऑल्सो सिंस ऑल थ्री इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव वी हैव तीनों की प्रॉबीबिलिटी मतलब तीनों का यूनियन वन अगेन सिंस ऑल द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस इज इक्वल टू प्रॉबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू प्रॉबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी ठीक है इसको हम लोग मान लेते हैं के इसको हम लोग मान लेते हैं के पी ए पी बी पी सी इज इक्वल टू के ठीक है अब आप वन और टू को कंबाइन करो ठीक है ये कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी तो ये है ए प्लस बी प्लस सी और ये कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी वन है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन ठीक है plus plus one, तो हमने यहां पर यही बोल दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज वन ठीक है अब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन है और ये पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू के मतलब हम ये कह सकते हैं कि के प्लस के प्लस के इज इक्वल टू वन ठीक है पी ए भी के है पी बी भी के है पी सी भी के है ठीक तो वी हैव के प्लस के प्लस के इज इक्वल टू वन तो मतलब थ्री के इज इक्वल टू वन मतलब के इज इक्वल टू वन बाई थ्री ठीक है तो प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रॉबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच इज इक्वल टू वन बाई थ्री ठीक है और हमें मालूम है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे तो उसका आंसर वन आएगा ठीक है या तो वो इवेंट होगा या तो वो इवेंट नहीं होगा उन दोनों की ही प्रोबेबिलिटीज को हम लोग अगर टोटल कर देंगे तो आंसर वन आ जाएगा तो वी नो दैट प्रोबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज वन तो बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है प्रॉबीबिलिटी ऑफ ए आपको पता है वन बाई थ्री है तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे आप वन माइनस वन बाई थ्री आ जाएगा आंसर